तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स का। हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, जैसे कि कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, फॉन्ट हो गया, इनके अलावा कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स होते हैं, इन ट्रिक्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सुनील जी के साथ। सुनील जी, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन द्वारा आपको दे रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि आप एमएस वर्ड में जाते हैं, एमएस वर्ड में आप टेंथ लिखा तो टीएच ऊपर चला जाता है, अगर आपने फर्स्ट एसटी लिखा, आपने यहाँ पे अगर मान लीजिए एनडी लिखा, आपने यहाँ पे आरडी लिखा, तो ये ऊपर प्रीफिक्स में चले जाते हैं। तो क्या ऐसी फैसिलिटी हमारे एक्सेल में है? जैसे मैंने एसटी किया, मैंने यहाँ पे टेंथ किया, नहीं गया। बट कभी कभी हमें जब फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो कैसे करेंगे? तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पे राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और इसको यहां पे हम सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट, दैट ओके, यहां पे आ गया। फिर यहाँ पे टेंथ में ऐसे हम टीएच को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे और यहाँ सुपर स्किप करेंगे तो ये आपका टीएच चला जाएगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे यहाँ पे 10 डिग्री है तो हमने डिग्री को स्मॉल लेटर में लिखा, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल और यहाँ पे सुपर स्किप कर दिया, 10 डिग्री आ गया। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, अब मुझे इसमें सम में डिग्री देना है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल में ओ लिखता हूं, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और यहां पे हम सुपर स्किप करते हैं, क्योंकि इतने सारे नंबर में एक एक करके जाना, ओ लगाना पॉसिबल नहीं है। और क्या है, क्या है कि आप सेल पे क्लिक करके आप सुपर स्क्रिप्ट डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसलिए आपको डबल क्लिक करके जिसको सुपर स्क्रिप्ट में भेजना है उस करेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब इसको हम सिलेक्ट करके आते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहां हमने बॉर्डर पे, हमने बॉर्डर लिया, ए बॉर्डर लिया, इसको लिए और जो बीच वाली बॉर्डर होती है ना उसको नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, एंड ओके। और बेटर दिखाना है तो फॉर्मूला पेज लेआउट में, फॉर्मूला से पहले आता है पेज लेआउट, उसमें आप ग्रिड लाइन को अनचेक कर दीजिए। तो ग्रिड लाइन जब नहीं आएगा तो ये बिल्कुल आपको सेम लगेगा जैसा कि यहां पे था, ऐसे भी ये कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको H2O करना है, H2O, सुरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, फॉर्मेट सेल सुपर सब स्किप, तो नीचे लाने के लिए सब स्किप और ऊपर करने के लिए सुपर स्किप का इस्तेमाल होता है, ओके। तो सब स्किप सुपर स्किप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट सर इसमें? चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे हम बात करते हैं जैसे कि अगर आपके पास कोई डेटा है अब इस डेटा को अगर मुझे किसी को भेजना है प्रिंट आउट निकाल के, तो इजीली आप प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इसमें से कुछ डेटा हमारा गलत है, कुछ डेटा हमारा गलत है, ये कैसे बताएंगे? तो अगर आपके पास नोटपैड है तो आप उसको कॉपी पे एक कर लेंगे ना, क्या बोलते हैं इससे पेन जिससे लेंगे और चौकड़ी कर देंगे इस तरह से,
लेकिन एक्सेल के शीट में कैसे करेंगे? इतना जूम का ऑप्शन है ना, मुझे एक्सेल में करना है। तो बेसिकली उसके दो तरीके हैं। देखिए इसमें एक चीज और आता है, यहाँ सुपर की बगैर यूज जब नहीं किया था उसी में एक होता है स्टिक थ्रू, बट स्टिक थ्रू इस तरह के नंबर पे यूज नहीं होता है। हाँ अगर आपके पास कोई ए है, जैसे मैं एक बार कोई मेल ओपन करता हूँ, कोई अगर पैराग्राफ आपके पास है इक्वल आर एन डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अब जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कॉपी और इसको पेस्ट करना है, तो एक बड़ा सा एरिया चाहिए तो बड़ा सा एरिया को सिलेक्ट किया और हमने इसको मर्ज कर दिया और फिर इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन सही से नहीं दिख रहा है तो हम रैप टेक्स्ट करेंगे और यहां से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से चीजें करते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा मुझे क्या करना है, अरे मान लीजिए कि इसमें जो कीवर्ड लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो हम डबल क्लिक करके कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहां हम कर देंगे स्ट्राइक थ्रू, हम क्या कर देंगे स्ट्राइक थ्रू एंड ओके। तो क्या हुआ, इस तरह से कीवर्ड तय हो गया। लेकिन ये चीजें यहां नहीं कर सकते, यहां कैसे करें? तो यहां भी हमारा मदद करेगा हमारा बॉर्डर, हम बॉर्डर पे जाते हैं, यहां से हम अपना कलर लेते हैं कोई भी कलर, जैसे क्रॉस करना है तो रेड कलर ले लिया हमने, यहां मोटा क्रॉस ले लेता हूं मीडियम साइज और इसको यहां से यहां कर दिया एंड ओके। अब देखिए F4 जो होता है आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, तो यहां हम करेंगे F4। अब इसमें सही का निशान देना हो तो कैसे करें, तो राइट क्लिक किया, अब हमने फॉर्मेट सेल में और जहां बॉर्डर गए थे उसी बेस पर कलर जो है ग्रीन को सिलेक्ट कर लेते, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया Then okay. और F4। सुनील जी समझ में आया आपको कि नहीं? आया सर, आया। सुंदर जी आपको आया? अब इसमें एक चीज और भी है कि चलो ए तो चलो हमने ऐसे लिख रखा था, लेकिन मान लीजिए ए हमारा कोई सीट में होता और मुझे इसके सामने करना है, क्यों? क्योंकि मुझे इसके ऊपर कंडीशन चाहिए। अब जो इससे लगाया आपने इसको जस्ट प्रिंटिंग पर्पस से है, जस्ट विजिबिलिटी के लिए है, आप इसे कोई कंडीशन कोई फॉर्मूला या कोई फिल्टर नहीं लगा सकते। तो क्या लगाएंगे, क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए आप है कि आप कैप्स में पी को टाइप करें, कैप्स में पी को टाइप करें और इस पी के ऊपर एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू का, बेडिंग टू या बाइंडिंग टू ऐसे कुछ होता है, हाँ बेडिंग टू। अब इस पे रखिए, अब कैप्स में पी टाइप करेंगे तो आपका एक स्टिक का निशान बन जाएगा, कैप्स में ओ टाइप करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, ओके okay? अब आगे चल के इससे कंडीशन लगानी है, फॉर्मेटिंग लगानी है, तो क्या करेंगे आप पी के बिहाफ पे लगा देंगे, पी इक्वल टू क्रॉस या ए टिक का निशान आपके सामने दिख गया। ओके okay? yes,
ये सर सर जी दो ही कमांड को पहचानते हैं ना, एक पी और ओ को। इसमें और भी है, इसके लिए आप क्या करेंगे ना, इंसर्ट पे चले जाएंगे, सैंपल पे चले जाएंगे, सैंपल आया ना। और इसमें यहां आप बाइंडिंग टू सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल हो गया, ठीक है सर। यहां पे ये सारे हैं जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है सर, ये हो गया। लेकिन क्या है कि जो फॉन्ट हमारा है, ये फॉन्ट हमारा पार्ट ऑफ विंडो है। ऐसा हो सकता है कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है उसमें फॉन्ट हो ना हो, तो करप्ट हो गया हो या कुछ ऐसा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उस केस में क्या करें। तो यहां पे मैं कैप्स में जे को लिखूंगा और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट में आएंगे और -45 डिग्री के एंगल में इसको रोटेट कर देंगे। -45 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट कर दिया, दिख गया सर। और एक्स चाहिए आपके पास क्रॉस के लिए, क्या एक्स तो क्रॉस के लिए है ना। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इसका यही इस्तेमाल है या कोई और इस्तेमाल है। तो चलिए हम आपको एक और अटेंडेंस शीट वाली एग्जांपल देते हैं जो कि हमने कल आपको बताया था, इसी तरह का नेम हो गया और यहां पे हमने डेट डाल दिया, अगस्त की डेट डाल दी, पूरी डेट डाल देता हूं मैं, और इसको ड्रैग कर दीजिए या प्लस प्लस वन कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है, जो हमने कल बताया था आपको। ओके, और यहां पे 1 2 कर देते हैं। और अटेंडेंस भी फिल कर देते हैं, अब इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पे हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। अब इसको एक पेज पे प्रिंट निकालना मुश्किल है क्योंकि प्रिंट की साइज लिमिटेड होती है। क्योंकि एक पेज पे प्रिंट करने के लिए आप जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह का आ गया, तो चलो ठीक है मैं यहां पे लैंडस्केप कर देता हूं, पोर्ट्रेट की जगह ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप कर दिया, मार्जिन भी मैं इसको जो है नैरो कर देता हूं, मार्जिन बढ़ा देता हूं, फिर भी आप नहीं है। हाँ, स्केलिंग अगर मान लीजिए फिट टू वन पेज करते हैं तो देख रहे हैं कितना छोटा हो गया, अब रीडेबल है, रीड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। सो मुझे इसको एक पेज पे प्रिंट करना है, बट प्रिंट कैसे करें, तो आप देख रहे हैं कि आपका डेटा बहुत छोटा है, बड़ा क्या है आपकी हेडिंग है, तो क्यों ना हेडिंग को ही छोटा कर दिया जाए। कैसे, तो इसको सिंपल छोटा करने का सिंपल तरीका है कि मैं यहां अलाइनमेंट में ही एंगल में जाके इसको हम 90 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट कर देता हूं, फिर पूरे शीट को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, अब देखिए ये ऑटो रोटेट हो गया, अब प्रिंट आपका प्रिंट में भी आएगा और रीड में भी आएगा, क्या सर। यस सर। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अब जैसे कि रैप टेक्स्ट की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा हमने कुछ ऐसा लिख के लाया रैप कर दिया, तो रैप क्या होता है चलिए इसको जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, तो देख रहे हैं कि कुमार जो है वो दूसरे कुमार का जो ए आर है
वो दूसरे सेल में, मतलब कि एक ही दूसरे सेल में चला गया, मतलब कि बॉर्डर से बाहर चला गया। अभी दिख रहा है क्यों? क्योंकि अगली जो सेल है वो बिल्कुल ब्लाइंक है। अगर अगली सेल पे हमें कुछ लिख देते हैं तो फिर ये नहीं लिख करेगा। तो क्या करें इस केस में? इस केस में आप जो है दो चीजें हैं, एक तो डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा, मतलब कि कॉलम की साइज बढ़ जाएगी। आप ऑटो फिट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट में क्या होगा, रो की साइज बढ़ जाएगी। अब यहाँ इसे ध्यान रखिएगा कि रैप जो करते हैं तो अपने हिसाब से होता है, लेकिन आप चाहते अपने हिसाब से करना, सिस्टम के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो क्या करें, 1 2 3 Alt Enter, Alt Enter इस तरह से। ओके, Alt Enter प्रेस करते हैं, तो टाइप करते समय आप Alt Enter प्रेस कर। ओके, समझ आ गया सर? यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि मैं जो रैप भी नहीं करना, क्योंकि मैं रैप करता हूं तो मेरी रो की साइज बढ़ जाती है, तो आपके पास होता है एक श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट को क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि कॉलम की साइज के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट साइज हो गया। मैं कॉलम बड़ा करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा तो छोटा हो जाएगा। बाकी मर्ज तो आपको पता ही है, मर्ज से जगह पे आप एक क्रॉस मर्ज करते हैं तो इस तरह से 1x1 मर्ज होगा, राइट सर? बाकी जो हमारा नंबर फॉर्मेट है वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट पार्ट है, तो वो आज आप इस नंबर फॉर्मेटिंग को ना करें, ये हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपको क्या करना है, हमने आपको जो फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स बताए हैं, अभी आप मुझे इसके 5-5 एग्जाम्पल बना के भेजेंगे। अब आपके पास किसी तरह के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।